अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे साउथ इंडियन डिश मैसूर रसम, जो खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले लेंगे एक पैन, इसमें डालेंगे एक चम्मच तेल और चार कटे हुए टमाटर, डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे और इसका लिड बंद करके लो फ्लेम पर 5 मिनट के लिए रखेंगे। अब लेंगे एक पैन, इसमें डालेंगे एक चम्मच तेल और डालेंगे 2 चम्मच चने की दाल, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच काली मिर्च, 2 चम्मच धनिया और 2 चम्मच फ्रेश कोकोनट। इन सभी चीजों को मिक्स करते हुए भून लेंगे और इसमें डालेंगे 3 लाल मिर्च और थोड़े से करी लीव्स, डालकर 5 मिनट के लिए भून लेंगे। भूनते हुए 5 मिनट हो चुके हैं, मसाले में से अच्छी सी खुशबू आ रही है। अब हम इसका फ्लेम बंद कर इसको ठंडा कर लेते हैं। अब हम इसको जार में डालकर इसका एक दरदरा सा पाउडर बना लेंगे। इसका टेक्सचर ऐसा रखना चाहिए। टमाटे अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं और डालेंगे इसमें 3 हरी मिर्च, थोड़े से करी लीव्स और इसमें डालेंगे 1/2 कप पानी, डालकर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसका लिड बंद करके इसको लो फ्लेम पर रख देंगे। टमाटे अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं, इसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच हल्दी, डालकर मिक्स करेंगे। टमाटे अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे 2 कप इमली का रस, हमने इमली का रस निकाल कर रख लिया था। रसम को थोड़ा थिकनेस बनाने के लिए हम इसमें डालेंगे 1/2 कप गली हुई तुअर की दाल, हमने दाल को पहले ही गला लिया था। इसको भी अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें डालेंगे 1 फुल कप पानी, डालकर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। हमें इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी रखनी चाहिए। और इसमें डालेंगे पिसा हुआ मसाला, डालकर इसको भी मिक्स करेंगे और डालेंगे थोड़ा कटा हुआ हरा धनिया, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। हमें इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी रखनी चाहिए। अब हम इसका लिड बंद कर लो फ्लेम पे 10 मिनट के लिए बॉईल होने के लिए रख देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, रसम अच्छे से पक चुका है, हम इसकी कंसिस्टेंसी भी थिक हो चुकी है। अब हम इसमें तड़का लगाएंगे। इसके लिए लेंगे हम एक पैन, इसमें डालेंगे 2 चम्मच देसी घी, 1 चम्मच राई, 1 चम्मच जीरा, थोड़े करी लीव्स, 3 सूखी लाल मिर्च, थोड़ी सी हींग, डालकर हल्का सा मिक्स करेंगे। अब हमारा मैसूर रसम बनकर तैयार है सर्व करने के लिए। आप इसको गरम गरम चावलों के साथ या इडली के साथ या वड़े के साथ खा सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी होता है, आप इसको एक बार जरूर ट्राई करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, आपके फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और भी बेहतरीन रेसिपीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।